नमस्कार दर्शकों, गुरुवार की शाम अपने घर में लगाएं एक ऐसा पौधा जिससे आपको कभी धन की कमी नहीं होगी। कहते हैं कि ये पौधा धन संपदा दिलाने के लिए साथ ही ग्रह दोष से भी मुक्ति दिलाता है। तो दर्शकों, हम आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताएंगे। धार्मिक लिहाज से घर में सुख समृद्धि और तरक्की पाने का दिन गुरुवार को माना जाता है। इस दिन कुछ उपायों के द्वारा अपने घर को साफ सुख समृद्धि से भर सकते हैं। शास्त्रों में एक ऐसे पेड़ के बारे में बताया गया कि एक ऐसा पेड़ है जिसे यदि गुरुवार की शाम अपने घर में लगाया जाए तो आर्थिक समृद्धि के मामले में बेहद लाभकारी होता है। ये धन संपदा दिलाने के साथ ही ग्रह दोष से भी मुक्ति दिलाता है। इस पौधे में भगवान विष्णु का भी वास बताया गया है। इसकी नित नियम से पूजा करने पर घर के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। ये है तुलसी का पौधा। इसे घर की उत्तर पूर्व दिशा में लगाना ठीक माना जाता है। वास्तु के अनुसार बने हुए घर में ये पौधा बहुत ही सकारात्मक शक्तियों को लाता है। इसके अलावा केले के पेड़ को लगाना भी बेहद शुभ माना गया है। इसके साथ ही तुलसी के पौधे को केले के पेड़ के साथ रखें या फिर केले और तुलसी के पौधे को साथ साथ लगाएं। वास्तु के अनुसार ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है और धन से आपका घर हमेशा भरा रहता है। गुरुवार के दिन सुबह के समय पूजा करते हुए भगवान बृहस्पति को एक तुलसी का पत्ता चढ़ाने से भी भगवान बृहस्पति प्रसन्न हो जाते हैं। तो दर्शकों, हम आपको बता दें कि आपको तुलसी और केले का पौधा घर में शाम को लगाना है तो आप देखेंगे कि ये चमत्कार से किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। आपके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार हो जाएंगे। आप अपने जीवन में जो चीज़ों की कमी महसूस कर रहे हैं, जो धन संपदा की कमी महसूस कर रहे हैं, अगर आप ने अपने घर में गुरुवार की शाम ये पौधे लगा दिए तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। आपके घर में धन संपदा की कमी नहीं रहेगी और आप धनवान व्यक्ति बन जाएंगे। लेकिन आपको अपने कर्मों का भी ध्यान रखना है। ये नहीं कि आप अपने घर में एक पौधा तो लगा लिया और आप मन में सोचे बैठे हैं कि नहीं, हमने पौधा लगाया तो हम धनवान हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप पौधा लगाएं और अपने कर्मों को लगातार निरंतर अपना प्रयास करते रहें, निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। तो दर्शकों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। नेक्स्ट मैं स्पेशल से रजत की रिपोर्ट।